Hello everyone. Welcome to the series of SSC previous year questions. और हमारा ये question है one words का. और जो कि SSC क्या करता है तो question को repeat करता ही है और साथ में ये option को change करके नया question भी बना देता है. इसीलिए सारे question solve करना जरूरी है. पहला question है an underhand device resorted to in order to justify misconduct. अंडरहैंड का मतलब हो जाता है तू गुपचुप जो है तरीके से बेमानी से छल करना या धोखेबाजी करना. डिवाइस का मतलब होता है यंत्र मशीन या इसका मतलब होता है किसी भी काम करने का तरीका विधि. रिजोर्टेड मतलब हो जाता है उसके किसी के सहारे जो है लिया गया. इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट मतलब दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार धोखाधड़ी. टू जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब धोखाधड़ी को सही साबित करने के लिए. तो एन अंडरहैंड डिवाइस रिजोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, इसका मतलब हो रहा है कि एक तो इंसान ने बेईमानी किया और उस बेईमानी को ढकने के लिए एक दूसरा वो जो है ट्रिक मतलब या कुछ भी एग्जाम्पल उस पर सेट कर दिया ताकि उसका जो पहला बेईमानी है वो बेईमानी नहीं दिखे. जैसे आजकल संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा का जो विवाद चल रहा है तो इसमें संदीप महेश्वरी का पक्ष यह है कि विवेक बिंद्रा ने यही किया. उसने क्या किया, एन अंडरहैंड डिवाइस रिजोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, ये संदीप महेश्वरी का आरोप है. मुझे इस बारे में उतना तो जब पता है नहीं कि कौन सही है कौन गलत है. आज मैं थोड़ा न्यूज से दूर हो गया हूँ तो उसे क्या कहा जाएगा. तो कंप्लिसिटी का मतलब हो जा रहा है कि किसी को अपराध में हेल्प करना या किसी के साथ मिलकर कुछ कांड कर देना. स्ट्रैटेजम मतलब हो जाता है रणनीति और इसका इस्तेमाल खास करके जो सैन्य रणनीति है और जो राजाओं का नीति है या देश के पीएम का जो दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है उसके सेंस में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है स्ट्रैटेजम. और सब्टरफ्यूज मतलब हो जाता है धोखा देना बेमानी करना. तो ऑप्शन ए हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि मनोबल मतलब हो जाता है कि स्कीम फेक है और उस स्कीम फेक स्कीम को ढकने के लिए एक बाहरी कुछ अगर जो है मुखौटा तैयार किया गया है. तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट. बहुत सारे जो नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं उसपे भी मनोवरिंग का ही आरोप लोग जो है लगाते हैं. इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब मतलब जिसका वर्णन करना असंभव हो. जैसे अगर आप किसी के प्रेम में हो तो उसका सुंदरता या उसका तारीफ आप वर्णन कर ही नहीं सकते हो मतलब वर्ड से नहीं मिलेंगे. तो उसे क्या कहा जाएगा. तो मिराक्यूलस मतलब हो जाता है आश्चर्यजनक या ऐसा जो कि सुनने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा अचंभित हो जाए. ऑप्शन ए रोम. स्टुपेंडस का मतलब हो जाता है विशाल बहुत बड़ा या शानदार भव्य. अपोलिंग डर या अचंभे में डाल देना विस्मित विस्मित जो है कर देना. तो ऑप्शन डी हो जाएगा रॉन्ग. और इन अफेबल मतलब ऐसा जिनके बारे में कहा ही नहीं जा सके. तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट. वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स which he thinks is mistaken or unwise. One who criticizes popular beliefs. Criticize मतलब हो जाता है क्या आलोचना करना या बुराई करना. Popular beliefs जो कि प्रचलित मान्यताएं हैं which he thinks is mistaken or unwise. Mistaken मतलब जिसे गलत समझा गया हो या unwise जो बेवकूफी भरा हो. तो ऐसा व्यक्ति जो समाज में प्रचलित मान्यताओं का खंडन करे बुराई करे या उसे न माने क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है कि या तो ये मान्यता ही गलत है पूरा तरीके से अनलॉजिकल है या जो पास्ट में कुछ अच्छी मान्यताएं थी उसका अब गलत सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है. तो उसे क्या कहा जाएगा. तो कैनिबल का तो मतलब हो जाता है कि अपने ही प्रजाति को खा लेना. जैसे अगर एक इंसान इंसान को खा रहा है तो वो क्या हो जाएगा कैनिबल. या कोई भी जानवर अगर अपने ही जाति के जो है जानवर को वो जो है अगर खा रहा है तो वो क्या हो जाएगा कैनिबल. और फिलिस्टीन का मतलब हो जाता है असभ्य अशिक्षित.
ऑप्शन ए हो जाएगा रॉन्ग। और इम्पोस्टर मतलब हो जाता है ढोंगी या पाखंडी, या ऐसा व्यक्ति जो रहता तो कुछ और है लेकिन वो दिखावा कुछ और कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रॉन्ग। और आइकोनोक्लास्ट मतलब हो जाता है जो मूर्ति तोड़े, चित्र को तोड़े या सामाजिक मान्यताओं के उलट कुछ काम करे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, डिटेन वर्ड तो न्यूज में काफी ही प्रचलित हो रहा है। डिटेन का मतलब होता है किसी को रोक देना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देना। और कन्फाइनिंग नजरबंद रखना या कैद रखना, तो किसी को अगर एक जगह रोक दे, नजरबंद कर दे, या यूं कहे कि उसे गिरफ्तार कर ले, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो इंटरप्शन मतलब हो जाता है हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंटरोगेशन पूछताछ करना, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर पुलिसिया पूछताछ के सेंस में ज्यादा किया जाता है, ऑप्शन बी भी हो। और इंटरमेंट मतलब हो जाता है कब्र खोदना या किसी को दफनाना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रॉन्ग। और इंटरमेंट का मतलब हो जाता वही डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग, किसी को अपने गिरफ्त में ले लेना, उसे जाने नहीं देना कहीं, इंटरमेंट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस ऑफ द रेसेज ऑफ मैनकाइंड। साइंस का मतलब जो है, एक बार और जो है समझ ले आप लोग, कि किसी भी चीज का जो क्रमबद्ध और लॉजिकल अध्ययन है वो क्या है, साइंस है। ऑफ द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, रेसेज मतलब, रेस का मतलब क्या हो जाता है, नस्ल। ऑफ मैनकाइंड संपूर्ण मानव जाति का, तो जो संपूर्ण मानव जाति का जो नस्लों का अध्ययन है उसे क्या कहा जाएगा। जैसे हम लोग क्या है, होमोसेपियंस है, तो जो अगर कंप्लीट होमोसेपियंस का अध्ययन हो तो उसे क्या कहा जाएगा। या जो नियंदरथल का अगर जो अध्ययन हो, तो मतलब अगर कैरेक्टराइज वाइज अगर किया जाए अलग अलग नस्ल का अध्ययन, तो साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड को क्या कहा जाएगा। तो सोशियोलॉजी मतलब हो जाता है समाज शास्त्र, तो इसमें जो समाज में जो मान्यताएं हैं, शादी विवाह कैसे होता है, डेवोर्स का रूल, या लोगों का आम व्यवहार किस तरीके से होता है, उसका अध्ययन क्या है, सोशियोलॉजी। और एपिस्टोलॉजी, और ये क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, जिसका मतलब होता है ज्ञानवाद, मतलब ज्ञान पे अध्ययन, कि जो ज्ञान का मेथड क्या है, उसका मतलब तरीका क्या है, या वो ज्ञान क्या तार्किक है, लॉजिकल है, या उस ज्ञान से समाज में क्या इफेक्ट या प्रभाव पड़ने वाला है, तो वो क्या है, एपिस्टेमोलॉजी। जीनियोलॉजी मतलब हो जाता है वंशावली, वंश का अध्ययन, जैसे एक कंप्लीट वंश है उसका अध्ययन, जैसे मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश में जितने भी राजा हुए हैं या जितने भी बच्चे हुए हैं उसका अध्ययन। और जैसे अगर वैद्य भी आप लोग ज्यादा रिच हो गए तो ये सब चूल मतलब जो है मारता है लोगों की, कि आप अपने वंश का डीएनए ये सब जो है चेकअप जो है करवाओगे कि किसमें क्या फॉल्ट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रॉन्ग। और एथनोलॉजी मतलब हो जाता है संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन, जैसे कंप्लीट होमोसेपियंस का अध्ययन हो तो वो क्या हो जाएगा, एथनोलॉजी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप, ऐसा जो छुप जाता है कहां पे जाके, जहाज में जाके, और किस लिए, टू ऑब्टेन मतलब क्या हो जाता है, प्राप्त करना, अ फ्री पैसेज मतलब मुफ्त में जाना। तो ऐसा व्यक्ति जैसे नाव या जहाज जा रहा है उसमें चुपके से जाके कहीं पे वो जाके छुप गया ताकि उसे टिकट नहीं खरीदना पड़े। स्टूडेंट लाइफ में बहुत लोग जो है जो क्या करता है कि बाथरूम के पास जो है ट्रेन में जाके खड़ा हो जाता है बिना टिकट लिए, टीटी आता है बाथरूम में जो चला जाता है, तो उसे क्या कहेंगे। तो कंपोजिटर का मतलब हो जाता है कि इसका होता अक्षर योजक, मतलब कहने का सेंस है जो कोई भी राइटिंग्स में लिखने में, खास करके अगर किताबें और कोई लिख रहा हो तो उसमें अक्षरों का काट छांट ये बनता जो करता है, कंपोजिटर, ऑप्शन ए हो गया रॉन्ग। स्टोकर मतलब हो जाता है जो कोयले का या वाष्प का ट्रेन होता है उसमें ईंधन को जो झोंकता है, मतलब जो कोयले को झोंकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा रॉन्ग।
और शिपराइट का मतलब हो जाता है नाव या जहाज जो है बनाने वाला है, चाहे वो लकड़ी का नाव हो, छोटा जहाज हो या यॉच हो, तो उसे जो बनाए वो क्या हो जाएगा, शिपराइट। और स्टो अवे का मतलब हो जाता है कि मुफ्त में यात्रा करने के फेर में अगर कोई व्यक्ति छुप जाए जाके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लूज अवेलेबल एट द सीन। तो क्लू मतलब क्या होता है, संकेत या चिन्ह या कोई भी ऐसा हिंट जिसको आप इस्तेमाल करके बड़े लेवल तक उस पहेली में या क्वेश्चन में पहुंच सकते हैं। तो जहां पे कोई कांड हो गया और वहां पे कुछ ऐसा संकेत मिला, जैसे जो कोई कांड किया तो उसके नाखून, बाल या कोई भी ऐसा उसका पर्स, घड़ी इस तरह से मिल जाए, तो वो क्या होगा, क्लू। तो उसे क्या कहेंगे, तो डेरिवेटिव का मतलब हो जाता है कि अगर मतलब किसी का उत्पत्ति किससे हुआ है, जैसे कोई मूल शब्द है और उस मूल शब्द से मतलब जैसे कोई वर्ड है और वो किस मूल शब्द से वो जो है निकला है, तो वो क्या हो गया, डेरिवेटिव। ऑप्शन बी हो जाएगा रॉन्ग। इन्फ्रेंशियल का मतलब हो जाता है गोपनीय या जो छुपा हुआ हो, सॉरी मिस्टेक हो गया। इन्फ्रेंशियल का मतलब हो जाता है अनुमानिक या जो अंदाजा लगा के अगर कोई काम किया गया हो कि फलाना आदमी तो यहाँ पे जो नहीं था, तो इसका मतलब ये काम इसने नहीं किया है, तो वो क्या हो गया, इन्फ्रेंशियल, ये रॉन्ग हो जाएगा। और सजेस्टिव का मतलब हो जाता है संकेत देना, सांकेतिक, या अगर कोई ऐसा चीज जिसको देख के आपको सेक्सुअल इच्छा या का इच्छा हो, या कोई अगर आपको सेक्सुअली अगर जो है हिंट दे रहा हो, तो वो भी जो है सजेस्टिव में आ जाएगा। और सरकमस्टांसियल मतलब हो जाता है कि जो स्थान में प्राप्त हुआ है या जो कांड वाले जगह में अगर कोई छोटा बहुत हिंट या सबूत कुछ प्राप्त हुआ है, तो ये पुराने जो है ना फिल्म में बहुत ज्यादा होता था, मतलब हीरो गया या जो है गुंडा गया कुछ काम मतलब कांड करने, और वो क्या किया वहां पे अपना लॉकेट जो है भूल गया, तब तो वही लॉकेट हीरो पूरा लैब जो है ढूंढते जाता है, सॉरी। तो ये हो जाएगा राइट, क्लूज अवेलेबल एट द सीन, सरकमस्टांसेस। नेक्स्ट है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। अनएक्सपेक्टेड जिसका उम्मीद ना हो, एक्सपेक्ट मतलब क्या हो जाता है, उम्मीद, तो जिसका उम्मीद ना हो, पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। गुड फॉर्च्यून का मतलब क्या हो जाता है, कि फॉर्च्यून का मतलब वैसे ही मतलब हो जाता है कि अच्छा भाग, समृद्धि, सुख, धन। और यहाँ पे क्या है, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून मतलब अचानक से अगर आपको ढेर सारा संपत्ति मिल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, बेनोस। बेनेवोलेंस मतलब हो जाता है कि अगर जो किसी के बारे में अच्छा सोच रहा हो, हितकारी हो। ऑप्शन सी रॉन्ग। फिलैंथ्रोपी का मतलब हो जाता है मानव कल्याण या परोपकारवादिता, जैसे किसी की मदद करना, हेल्प करना, सहायता करना, और खास करके बड़े लेवल पे, जैसे जो है सोनू सूद है, तो जो कोविड के टाइम से ही अभी तक वो लगातार लोगों की हेल्प किए जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इसमें लग जाएगा IST, ठीक, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अब टर्न स्टिल मतलब हो जाता है कि जैसे घुमावदार कोई गेट हो जिसमें एक ही आदमी जो है जाए, जैसे इस तरह का गेट होता है बहुत सारी जगह, तो क्या हो, ये गेट घूमते रहता है। या अगर मेट्रो का गेट है तो आप उसे भी टर्नस्टाइल बोल सकते हैं। और विंडफॉल का मतलब हो जाता है छप्पर फाड़ धनराशि, मतलब इतना कि अचानक आ जाए और इंसान संभाल ही नहीं पा रहा हो, बहुत लोग जो संभाल भी लेते हैं, तो अपनी अपनी जो है टैलेंट पे डिपेंड है। एंड इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबोव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। तो इमोल्यूमेंट का मतलब हो जाता है राशि, धन, या यू कहे तो ऊपरी इनकम। तो कहने का मतलब है कि इंसान को एक फिक्स्ड इनकम है और उसके ऊपर से अगर कुछ ऊपरी इनकम आए, तो उसे क्या कहेंगे, तो ऊपरी इनकम में सेंस यहाँ पे ब्राइब या घुसखोरी अर्थात रिश्वत नहीं है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई टीचर है तो उसे तो सैलरी मिलती ही है, लेकिन अगर उससे कुछ और भी काम अगर सरकार ले ले और उसके बदले में जो है उसे अगर जो है धनराशि दे, जैसे अगर कहीं पे अगर वो कॉपी चेक करने गए
तो उसके बदले में उसे जो मिलती है राशि, तो वो तो एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबोव फिक्स सैलरी और इनकम। तो जो सैलरी के ऊपर से कुछ इनकम हो उसे क्या कहेंगे? तो सिनेक्योर मतलब हो जाता ऐसा जॉब जिसमें बहुत ज्यादा आराम हो, सुविधा हो और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं हो। जैसे बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटी के जो टीचर होते हैं, खास करके देहात के जो होते हैं या छोटे शहरों के, तो वो ना तो प्रोफेसर जाते हैं कॉलेज ना स्टूडेंट जाता है कॉलेज, दोनों दूसरे को जानता ही नहीं है और दोनों का काम अपना क्या हो रहा है आसानी से हो जा रहा है। प्रोफेसर को मिल रहा है सैलरी और जो है स्टूडेंट को मिल रहा है डिग्री, तो प्रोफेसर के लिए वो हो गया क्या? सिनेक्योर। और ऑनोरेरियम का मतलब हो जाता है कि ऐसा काम जिसके बदले में राशि नहीं मिले, मतलब फिक्स्ड सैलरी नहीं हो, बस थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। जैसे बहुत सारे एनजीओ में होते हैं क्या कि थोड़ा बहुत बस जो है रकम मिल जाता है, तो ऑप्शन ए हो गया रॉन्ग। प्रेरोगेटिव का मतलब हो जाता है विशेषाधिकार, कि मतलब किसी व्यक्ति को अगर कुछ खास अधिकार है कि सिर्फ इसका इस्तेमाल वो कर सकता है। जैसे अभी क्या हो गया, बहुत सारे संसद एक्सपेल्ड हो गए उपराष्ट्रपति द्वारा, तो उसको प्रेरोगेटिव था ऐसा करने का, ये कहा जा सकता है। तो ऑप्शन डी हो गया रॉन्ग। और परक्विजिट का मतलब हो रहा है कि मतलब ऊपरी इनकम, और वो भी लीगल तरीके से, वैध तरीके से। ऑप्शन सी हो गया राइट, नहीं तो वो जो है ना ब्राइब में आ जाएगा। द एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, द एनिमल्स जानवर, पार्टिकुलर किसी विशेष या खास रीजन क्षेत्र, अगर कोई जानवर किसी खास क्षेत्र में रहे तो उसे क्या कहा जाएगा? जैसे कंगारू मान लो ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, और जैसे बहुत सारे ऐसे जानवर है कि जो खास स्थान में ही होता है, जैसे बंगाल टाइगर, वो कहाँ होता है? बंगाल में होता है, तो उसे क्या कहेंगे? दो ऑप्शन है हमारा। म्यूजियम का मतलब तो हो जाता है संग्रहालय, इसमें तो चीजें को संग्रह करके रखा जाता है। जू का मतलब हो जाता है चिड़ियाघर, और यहाँ पे जानवर अपने प्राकृतिक क्षेत्र के हिसाब से रहे, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी हो गया रॉन्ग। और दो वर्ड, फ्लोरा एंड फौना। ये फ्लोरा एंड फौना बहुत ही ज्यादा आप लोग जो है सुने होंगे, तो एक पार्टिकुलर क्षेत्र का जो वनस्पति है, पेड़ पौधा फूल, तो वो हो गया हमारा फ्लोरा। और ऑप्शन डी हो गया फौना, कि उस पार्टिकुलर क्षेत्र का कोई जानवर हो तो वो हो जाएगा फौना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, द एनिमल्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन फौना। वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।